चुन चुन के, जी हाँ, खास पेशकश हमारी जिसमें हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो चुन चुन करके शेयर आपके लिए लेकर के आते हैं। और आज हमने आपसे कहा था कि रक्षा क्षेत्र की कंपनी को गेस्ट करने के लिए बहुत लोगों ने अपने गेस्ट भेजे हैं और अब देखते हैं कि सही जवाब क्या है। तो अरुण जी, लोगों ने तो पूरा अपना दिमाग लगाया हुआ है, क्या कोई मैच कर पाया आपके मन को या फिर सब ऐसे ही सारे तीर खाली गए? देखिए विपुल जी, एक्चुअली थोड़ा ट्रिकी उनके लिए रहा होगा, क्योंकि ये जो स्टॉक है ये ओवरऑल इनका जो ये चीज बनाते हैं वो डिफेंस और एरोस्पेस पे अपना ज्यादा अपने चीजें बेचते हैं, तो डिफेंस में डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, पर डिफेंस सेक्टर को ही ये बिलोंग करता है और डिफेंस को ही ज्यादा अपनी चीजें देता है, वो है मिश्र धातु निगम। मुझे लग रहा है मिधानी एक अच्छा स्टॉक है, यहाँ से भी करंट लेवल पे बाय करके चल सकते हैं, 443 के आसपास है, तो इसको करंट लेवल पे बाय करें, 431 का स्टॉप लॉस लगाए। मुझे लग रहा है स्टॉक आने वाले दिनों में 480 482 तक के टारगेट्स दिखा सकता है, तो मिधानी में बाय करने की सलाह रहेगी। डायरेक्टली डिफेंस स्टॉक नहीं कह सकते, पर डिफेंस के स्टॉक के साथ ही इसको गिना जाता है, तो 482 तक के टारगेट्स के लिए मिधानी को बाय करने की सलाह है। अगेन दूसरा स्टॉक जो रहेगा वो एक पोर्ट सेगमेंट से रहेगा, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, 252 के आसपास चल रहा है, करंट लेवल पे बाय करने की सलाह है, 241 के स्टॉप लॉस रहेंगे और 278 तक के टारगेट्स रहेंगे। दोनों ही स्टॉक मुझे लग रहा है अपने ब्रेकआउट के आसपास खड़े हैं और दोनों ही टेक्निकली शॉर्ट टर्म में एक बड़े गेन दिखा सकते हैं, दोनों का ही जो टाइम फ्रेम है वो 7 से 8 दिन का है, 7 से 8 दिन के अंदर स्टॉक को एग्जिट करने की सलाह है। 7 से 8 दिन के अंदर एग्जिट करने की सलाह है, तो बहुत लंबे अवधि के लिए नहीं दिए गए हैं। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा 252 के आसपास खरीदिए और आपको ऊपर का लक्ष्य तय कर लीजिए और एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 241 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए और 278 रुपये तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो कंपनी है मिधानी, मिधानी में 443 के आसपास का भाव है, आपको नीचे 10-12 रुपये नीचे एक स्टॉप लॉस लगाने के लिए दिया गया है, वो है 431 रुपये का और लक्ष्य देखने को मिल सकता है 482 रुपये का। तो ये वो दो शेयर हैं और कोई भी दर्शक सही जो है जवाब जो है वो नहीं दे पाया है। तो चलिए इस गेम को आगे भी बढ़ाते रहेंगे हम लोग, अलग अलग दिन जो है इस तरह के जो है, आप लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। सर, अब कार्यक्रम को भी समेटने का वक्त हो गया है, चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे कि कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से। सर देखिए, अगेन मिदानी हमने रिकमेंड करके रखा है ऑलरेडी, मैंने कहा एनटीपीसी भी हमने आज ही रिकमेंड किया है, दोनों स्टॉक्स सेम अपने शो पे भी डिस्कस किए हैं, और जो भी दूसरे स्टॉक डिस्कस किए क्लाइंट्स की पोजीशन डेफिनेटली हो सकती है, और जो व्यू हमने डिस्कस किया सेम व्यू सभी के साथ भी डिस्कस किया है, पर्सनली मेरी कोई पोजीशन किसी भी स्टॉक में नहीं। ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, इतना समय देने के लिए और तमाम विषयों पर अपनी राय रखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।